हाँ अरे आओगे काहे नहीं, जवाब सुनने की आदत जो हो गई है तुम लोगन का। घर में जवाब सुनते हो, ऑफिस में जवाब सुनते हो, राह चलते लोगों से जवाब सुनते हो, पर वो जवाब में और हमरे जवाब में बहुत फर्क है। वो तो का है बिना सोचे समझे जो मन में आया बोल दिए, पर हम बहुत सोच विचार के जवाब देते हैं। हाँ तो पूछिए का है सवाल, वो का है कि डार्लिंग देगी जवाब। डार्लिंग जी। हाँ जी जी, मैं आपसे मिस वर्ल्ड के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। ओह प्लीज सिट डाउन। हाँ तो कहिए किस मिस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती हैं? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा या? अरे नहीं नहीं, मैं खुद मिस वर्ल्ड बनना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे भी ना बहुत सालों से अपना ये मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में ना इंडिया का गैप लगा हुआ है। हाँ पर मैं जरा कंफ्यूज हूँ, पापा कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ। अरे डॉक्टर भी कोनो बनने की चीज है का? डॉक्टर को तो के मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते ठीक से, पर मिस वर्ल्ड का तो सारा वर्ल्ड जानता है। और पता है उसे मिलने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए लोग टूट पड़ते हैं। पता है तुमको, तब मन का ना इतनी शांति मिलती है कि हाय हम सबसे कितना हटके हैं। हाँ पर पापा कहते हैं कि देश की सेवा वाली शांति नहीं मिलती। अरे काहे नहीं मिलती? हाँ मिस वर्ल्ड बनने के बाद सेवा करने के बाद से तो लोगों को जानते हैं। कैसे? अरे कैसे का, मिस वर्ल्ड बनने के बाद सेवा नहीं करनी होती है, सिर्फ सेवा करने की बात करनी होती है। देखो ऐसे हम गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं, हम अनाथ बच्चों का सहारा बनना चाहते हैं, हम अपाहिजों की सेवा करना चाहते हैं। बस ये सब बोलो लोग खुश हो जाते हैं। पर ये तो उन लोगों के साथ धोखेबाजी कहलाएगी जो हम पर भरोसा करते हैं। हाँ तो क्या हुआ, तो कभी तो कोई दिया जाता है जो हम पर भरोसा करता है। अरे जो भरोसा ही ना करे उसको किस बात का धोखा दोगी बताओ। हाँ ये बात तो है डार्लिंग जी। अरे मिस वर्ल्ड बनने के बाद ना पूरे वर्ल्ड का टूर करने का मौका मिलता है, घूमते रहो और अपने परिवार को भी घुमाते रहो, खुद को कुछ आता हो या ना आता हो पर सामने वाले को इनाम देते रहो, उसके साथ फोटो खिंचवाते रहो और पैसे खींचते रहो। पैसा? पैसा कैसे? ये लो। अरे पगली फंक्शन का प्रीमा अटेंड करेगी, फंक्शन अटेंड करने का ही नहीं बड़ी बड़ी बातें और वादे करने का भी पैसा मिलता है। साल भर बस बड़े बड़े वादे करने से फुर्सत नहीं मिलती। और साल भर बाद? साल भर बाद का लोग भूल जाते हैं कि मिस वर्ल्ड ने क्या वादे किए थे। और अगर मिस वर्ल्ड से कोई गलती हो जाए, वो कहीं टाइम पे ना पहुंच पाए तो का माफी मांग लेते हैं। मिस वर्ल्ड माफी मांगती है? नहीं नहीं पगली, लोग माफी मांग लेते हैं ऐसे, कोनो बात नहीं मैडम नेक्स्ट टाइम। पर मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना? काय का मेंटेन करना पड़ता है, मिस वर्ल्ड का हर चीज तो मुफ्त में मिलती है। मुफ्त कैसे? अरे कैसे का, साबुन मिला तो नहा लिए, कपड़े मिले तो पहन लिए, क्रीम मिला तो मुंह पर चौपड़ लिए और वो क्रीम के झूठे गुणगान कर दिए, बस इन्हीं सब चीजों से तो उनका घर चलता है। हाँ पर ये तो कुछ दिन की बात है, उसके बाद? उसके बाद का फिल्मों के बड़े पर्दे पर अपना अंदाज दिखाओ और उसके बाद कुछ दिन फिल्मों के बड़े पर्दे पर छाई रहो, फिर जाओ कोनो बड़े डॉक्टर से शादी कर लो, तुम्हारी भी इच्छा पूरी और तुम्हारे पापा की भी। पर बड़ा डॉक्टर हीरोइन को कैसे मिलेगा? जैसे माधुरी दीक्षित को मिला, क्या समझी? हाँ आप ठीक कहती हैं डार्लिंग जी, पर मिस वर्ल्ड बनने के लिए पढ़ना ज्यादा पड़ेगा ना? अरे क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो जितना तुम पढ़ोगी उतना तुम जानोगी और जितना तुम जानोगी उतना तुम भूलोगी, और जब भूलना ही है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, समझी? हाँ ये तो है, पर वो जज लोग जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब? अरे वो कभी डार्लिंग देगी जवाब, पर वो की खाते ना तुमको कोनो स्टूपिड से जवाब सोचने वाली, वो कहते हैं आंसर। अब देखो कोनो जज तुमको पूछेगा
कि ये बताओ तुम अपनी हसीन सी शाम कहाँ गुजारना चाहती हो, तो सबको लगेगा कि पेरिस माँ, पर तुम कौन अतरंगी जगह का नाम लेना। उसके बाद कौन जस्ट तुमको पूछेगा कि बताओ तुमको किस माँ से ज्यादा प्यार है। गलती से भी अपनी माँ या भारत माँ का नाम नहीं लेना, कहना कि मदर टेरेसा। उसके बाद कौन जस्ट तुमको पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा पैदावार किसकी है, गेहूं की। ना ही पगली, ये तो सबको पता है, कहा समझाए थे, अतरंगी जवाब। कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा पैदावार है भारतवासियों की। और उसके बाद कोई जस्ट तुमको पूछेगा कि ये बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। ना ही पगली, ऐसे ना ही कहना, कहना कि भारत की राजधानी है भारत। ओ ओ, और ये सबसे काम नहीं चलेगा, तुमको ना अपना कछु अलग हट के स्टाइल बनाना पड़ेगा। स्टाइल? कैसे स्टाइल? अरे ऐसी, देखो हमको ध्यान से देखो, सबसे पहले ना तुमका अपना हाथ ऐसे हवा में उठाना है, और उसके बाद ना यहाँ वहाँ पाँव रख के यहाँ से वहाँ जाना है, आना है, फिर एक जगह पर स्टाइल में खड़े हो जाना है, और सामने वाले को बेवकूफ समझ कर ऐसे देखना है, और चाहो तो एक दो गाली भी दे सकती हो। ये तरह देखो यहाँ, इस ससुरा टुकुर टुकुर हम का देख रहे हैं, हाँ मगर दांत निकालती रहना, देखो ऐसे। हाँ, और उसके बाद ना जब लोग तुमको देख देख के बेवकूफ बन जाएंगे तो खुद ही मिस वर्ल्ड घोषित कर देंगे। अरे यहाँ भी काम खत्म नहीं होता है, अरे हमको देखो, उसके बाद ना तुमको सरप्राइज होकर अपने मुंह पर हाथ रखना है, देखो ऐसे। थैंक यू डार्लिंग जी, थैंक यू सो मच। अब मैं पूरी तरह समझ गई हूँ, अब मैं मिस वर्ल्ड ही बनूंगी, देखना मैं मिस वर्ल्ड ही बनूंगी। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। ये देखो मिस वर्ल्ड बनी नहीं और नखरे दिखाना शुरू। हाय दया, एक ही चक्कर में ना हमारा मिस वर्ल्ड जैसा फेस खराब हो गया है।